हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू आफ्टर यूज। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अपनी हीरो स्प्लेंडर, जिसको कि मैं 9 साल यूज करने के बाद इसका रिव्यू कर रहा हूँ। आइए तो इसका एक नॉर्मल वॉक अराउंड ले लीजिए। गाड़ी में हमारे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि फ्रंट व्हील पर और पीछे वाले पर 5 स्टेप एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ठीक है। बाइक को मैं 9 साल यूज करने के बाद इसका रिव्यू कर रहा हूँ, जिसमें से कि बाइक को मैं सन 18 से लेकर सन 22 तक रेगुलर चलाया हूँ और बाइक मेरी सन 13 की है, BS3 मॉडल हीरो स्प्लेंडर। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको रेगुलर चलाया हूँ, मेरे घर से मेरे ऑफिस की दूरी 35 किलोमीटर है, तो बाइक डेली 70 किलोमीटर इसका अप डाउन हो रहा है। आइए तो उस हिसाब से हम 4 साल का देखें तो बाइक मेरी लगभग 82,000 किलोमीटर चल चुकी है सन 18 से। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सन 13 से लेकर सन 18 तक बाइक सिर्फ 8,000 किलोमीटर चली थी, उसके बाद बाइक को मैं लिया। बाइक कंटिन्यू मेरे वर्क प्लेस टू होम यही हो रहा था। तो बाइक का जो नॉर्मली बाइक का जो मीटर है वो 16,000 किलोमीटर शो कर रहा है, क्योंकि 16,000 किलोमीटर पे इसका स्पीडोमीटर का तार ब्रेक हो गया था, तो उसको मैं फिर कभी बनवाया नहीं, क्योंकि बाइक को मेरे को डेली अप डाउन करना था, तो बाइक के साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि हीरो की बाइक जिसको मैं डेली 70 किलोमीटर अप डाउन कर रहा हूँ और 82,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, अभी आगे भी ये बाइक चलेगी क्योंकि बाइक फुल मेंटेन है। और चूँकि बाइक को मैं इस कंडीशन में इसलिए ले आया क्योंकि बाइक बरसात का सीज़न है और मुझे रिव्यू करना था। आप यहाँ देख लीजिए 16,000 किलोमीटर शो कर रहा है क्योंकि बाइक का मीटर हो गया है ख़राब। तो इसको रिव्यू करने के लिए बाइक को मैं इस कंडीशन में ले आया, ताकि आपको दिखे कि बाइक कितनी रफ़ एंड टफ कंडीशन में चल रही है, और हमारे भारत की सड़कों का हाल तो आप जानते ही हैं। तो उस हिसाब से बाइक हीरो की, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ, इसका अंदाज़ा लग सकता है। और वैसे भी हीरो की बाइक हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए पहली बाइक होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब मेरे 9 साल के यूज में इसमें जो एक दो फॉल्ट आया है तो इसका यही आया है, अपना स्पार्क प्लग जो कि 3-4 बार चेंज हुआ है, वो भी मेरी गलती से, एक दो बार मेरी गलती से चेंज हुआ है। ये मुझे लगता है कि मैं इसका तेल बंद करके यूज कर दिया था एक दो बार, तो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि उसमें कचरा आ गया था जिसकी वजह से वो फॉल्टी हो गया था। और नहीं तो बाइक में कभी किसी तरह का कोई खर्चा बाइक नहीं किए। हाँ, इसको बाइक में देखिए हमारे कैरियर देता है पीछे, जो कि इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कोई भी सामान इस पर रख सकते हैं, बाइक उसके हिसाब से 2 पैसेंजर के लिए बहुत ड्यूरेबल बाइक है। चूंकि मैं इसे डेली अप डाउन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो मेन में ये है कि बाइक को मैं मेंटेन कैसे रखा। बाइक को मेंटेन रखने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि हीरो की बाइक का इंजन ही बहुत विश्वसनीय है। मैं क्या किया है इसको मेंटेन रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हर महीने जो कि मेरे 2,000 किलोमीटर की रनिंग होती है, तो मैं सिर्फ इसका इंजन ऑयल चेंज करवाते रहा, इंजन ऑयल चेंज कराते रहा हर 2,000 किलोमीटर पर, लगभग 2,000 किलोमीटर पर वो मैं अपना चेंज करवाते रहा इंजन ऑयल। इंजन ऑयल जब भी यूज कीजिएगा तो किसी एक कंपनी का यूज कीजिएगा, बार बार आपको इंजन ऑयल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग कंपनी का आप यूज करें। बाकी बाइक में ऐसा कोई डिफेक्ट आने वाला नहीं है। और बाकी बाइक से तो आप सभी लोग परिचित हैं कि इसमें ये मैं आपको बताऊं कि आगे हैलोजन लाइट है, पीछे हैलोजन लाइट है, तो वैसा कुछ नहीं है। बाइक बहुत अच्छी है, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि बाइक की ड्यूरेबिलिटी, ये समझिए कि बाइक मेरे 9 साल में ना इसके सस्पेंशन में कोई फॉल्ट आया, ना इसके इंजन में कोई फॉल्ट आया, छोटा मोटा फॉल्ट आया। और इसको किसी भी एक मैकेनिक से जब भी आपकी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इसको किसी एक मैकेनिक के पास लेके जाइए। वैसे तो इस बाइक में कोई फॉल्ट आएगी नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ आप इंजन ऑयल ध्यान रखिए। और साल भर में ये एक फुल सर्विस लेती है, जिसमें इसका फिल्टर चेंज होता है, एयर फिल्टर,
और बाइक का अगर शू ब्रेक व्रेक हमारा घिस चुका रहता है तो वो चेंज होता है। बाकी बाइक में आपको कुछ भी कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी के बारे में बता दूँ, देखिए 9 साल के यूज़ के बाद इसका ओरिजिनल प्लास्टिक ही है। आज भी पीछे का हमारा मड गार्ड वही है कंपनी फिटेड, आगे का व्हील कवर वो भी कंपनी फिटेड, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी बेस्ट है। तो इस हिसाब से मैं आपको, मैं अपने पर्सनल यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि हीरो की बाइक अगर किसी को लेनी हो नई तो आप इसको लीजिए। आपको इसको मेंटेन करना है तो आप इसका सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कराइए, किसी एक मैकेनिक के पास आप इसको फुल सर्विस के लिए लेके जाइए, आपकी बाइक में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। हाँ, मैं इस बाइक से पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ, इसकी सर्विस से सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं इसलिए इसका रिव्यू कर दिया। मैं कहा कि जो चीज़ अच्छी है तो सबको पता चलना चाहिए कि वो अच्छी है, तो मैं अपनी तरफ से आपको हीरो की बाइक रिकमेंड करूँगा। हाँ, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।